सीआईबी का तीन पेपर वाला लास्ट अटेम्प्ट रह गया। मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कब पढ़ूं और कहां से शुरू करूं, इस वीडियो में ये पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा। और हाँ, जो लाइव क्लास लेना चाहते हैं वो लाइव क्लास के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और अभी आप डिस्काउंट ऑफर पे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। चले चलते हैं डिटेल एनालिसिस की ओर कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। हेलो दोस्तों, सीआईबी का मिशन, आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि मैं कौन से टॉपिक से, कौन से मॉड्यूल से स्टार्ट करूं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इसमें मैं सीआईबी एबीएम पेपर के बारे में बात करूंगा। देखिए, सीआईबी के एबीएम में 4 मॉड्यूल हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल है इकोनॉमिक्स रिलेटेड, दूसरा मॉड्यूल है मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड, और थर्ड मॉड्यूल है आपका HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, और फोर्थ मॉड्यूल है आपका क्रेडिट मैनेजमेंट। अब बात आती है कि आप कौन से मॉड्यूल या कौन से टॉपिक से शुरू करें। देखिए, मैं इसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपोजर और आपका इंटरेस्ट, तीनों चीज़ों को लेके चलूँगा। देखिए, अगर आप बीटेक या मैथमेटिक्स के मास्टर हैं तो आप मॉड्यूल बी से स्टार्ट कीजिए। देखिए, मॉड्यूल ए किसको स्टार्ट करना चाहिए? मॉड्यूल ए उसको स्टार्ट करना चाहिए जिसने अपनी लाइफ टाइम में कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ी हो, चाहे वो मैनेजमेंट स्ट्रीम में पढ़ी हो। अगर उसने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी है तो उसको पहले मॉड्यूल से और पहले चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बी मॉड्यूल किसको तैयार पहले करना चाहिए। अगर आप बीटेक किए हुए हैं, बीएससी मैथमेटिक्स से किए हुए हैं, या मैथमेटिक बैकग्राउंड है, उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स आपने इकोनॉमिक्स में या किसी और कोर्सेज में अच्छी तरह पढ़ी है, तो आपको डेफिनेटली मॉड्यूल बी से स्टार्ट करना चाहिए। मैथमेटिक मॉड्यूल है, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपके रिजल्ट्स आएंगे, आंसर मिलाएंगे और उस तरह से आपका इंटरेस्ट पैदा होगा उसमें, और एग्जाम टाइम में रिविजन करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि सी मॉड्यूल किसको पढ़ना चाहिए। अगर आप थोड़ा लिटरेरी पढ़ने के मास्टर हैं, आप लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हैं, साइकोलॉजी पसंद करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पसंद करते हैं और आपने मैनेजमेंट में HR अच्छा पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली मॉड्यूल सी से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मॉड्यूल सी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं मिलता एग्जाम टाइम में, आप पहले से कर लेते हैं तो रिविजन बहुत आसान हो जाएगा, और ये सबको टफ लगता है। और अगर आपका इलेक्टिव में HRM है तो आपको सबसे पहले इसी को, बीच में भी इसको, बार बार इसको और हमेशा इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं मॉड्यूल डी की। तो मॉड्यूल डी उन लोगों को करना चाहिए जो क्रेडिट में काम कर चुके हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट एनालिसिस उनको अच्छा आता है, कॉमर्स की पकड़ उनकी अच्छी है और बैंकिंग में रिकवरी वगैरह में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए मॉड्यूल डी सबसे अच्छा है। और ये मॉड्यूल डी इंटरेस्ट पैदा करेगा आपको पुरानी बैंकिंग से। अभी तक के जो तीनों मॉड्यूल थे उसमें पुराना कुछ नहीं है, आप रियल बैंकिंग में क्या करते हैं इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मॉड्यूल डी उनके लिए अच्छा है जिन्होंने अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रखा है, उनके लिए ज़रूर अच्छा है। बात करते हैं, पढ़ तो लिया लेकिन एग्जाम टाइम में रिविजन कैसे करें। देखिए, जो मॉड्यूल सी है उसके तो नोट्स बना ले तो अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबा टेक्स्ट मॉड्यूल है वो। मॉड्यूल बी की बात करें, मॉड्यूल बी में फॉर्मूला बेस्ड बहुत है, फॉर्मूले रट लें, एक बार क्वेश्चन अभी करें, एक बार मिड में, एक बार लास्ट में करें। मॉड्यूल ए के लिए बात बता दूं मैं कि जिसमें 2 टॉपिक जो हैं बहुत अच्छे हैं, GDP का वाला और बजट वाला, इन दोनों के न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो ये अच्छी तरह तैयार करने हैं, क्योंकि मॉड्यूल ए कभी कभी 20 से 25 मार्क्स आपको एक्यूरेट दे सकता है, क्योंकि उसके जो लेवल ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा कम्फर्टेबल रहते हैं। तो इस तरह से आप ABM की तैयारी करिए और अपना एग्जाम जो है बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं CIB का ABM। नेक्स्ट टाइम में पेपर बढ़ने वाले हैं, पता नहीं सिलेबस क्या बदलेगा, इसलिए अच्छा है कि इस बार आप जरूर उसके ABM के एग्जाम को पास कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लाइव क्लासेस हमारी लेना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उस लिंक के थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिल सकती हैं हमारी लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशंस और समय समय पर जो हमारे ऑफर्स आते हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।